हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। जिन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट सवाल है हमारे पास वो रहा ये जो सवाल है आपको, ये आपको आएगा 5 नंबर का एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। तो इसमें देखिए एक हमारे पास ऐसे सीरीज दी होती है और इसके बेस पे ऊपर हमारे पास क्वेश्चन दिए होते हैं। फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, ये हमारे से पूछा है। यहाँ पे हमसे फर्स्ट सवाल में पूछा गया है कि बताइए ऐसे कितने सिंबल हैं जो कि प्रोसीड बाय क्या है नंबर है और फॉलोड बाय क्या है अल्फाबेट है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझने वाली हैं, फर्स्ट होते हैं प्रोसीडेड और सेकंड होता है हमारे पास फॉलोड। जो प्रोसीडेड होता है इसका मतलब होता है पीछे, तो उसके बाद क्या लिखा था यहाँ पे, फॉलोड लिखा था, तो फॉलोड का मतलब होता है हमारे पास आगे, राइट। ये आपको बात क्लियर होगी, एक प्रेसिडेंट का मतलब होता है पीछे और जो हमारे पास फॉलोड होता है इसका मतलब होता है आगे। इस वाले सवाल में क्या बोला गया था कि हमने बताने ऐसे सिंबल कि जो है प्रेसिडेंट बाय किसे हैं नंबर से हैं, फॉलोड बाय के हैं अल्फाबेट है। तो अब हम देखते हैं इस सीरीज में कितने हमारे पास ऐसे सिंबल आ रहे थे। तो देखिये फर्स्ट सिंबल था ये, तो इसके हमारे पास पीछे तो क्या था अल्फाबेट आ रहा था बट आगे इसके नंबर नहीं था। तो इसके बाद हमारे पास ये वाला, तो इसके देखिये हमारे पास आगे तो नंबर आ रहा था पर पीछे इसके क्या था सिंबल था, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो इसके बाद आता है हमारे पास ये वाला सिंबल यहाँ पे, तो इसके बाद देखिए सिंबल के आगे भी एन एम था और पीछे भी एन था, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। हमें कौन सा देखना है कि हमारे पास सिंबल ऐसा होना चाहिए जिसके आगे नंबर आए और बाद में क्या आए यहाँ पे अल्फाबेट आए, राइट। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले सिंबल के ऊपर, वो रहा ये। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एट द रेट के जो आगे है वो नंबर आ रहा था और पीछे क्या आ रहा था हमारे पास आ रहा था अल्फाबेट, तो इसका मतलब एक हमारे पास ये जो है सिंबल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल हमारे पास वो है ये, तो यहाँ पे देखिए आगे इसके नंबर था और पीछे क्या था यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट था, तो इसका मतलब सेकंड हमारे पास क्या आ गया, बस ये सिंबल आ गया, राइट, कि इसके आगे क्या था हमारे पास नंबर था और पीछे क्या था अल्फाबेट था, राइट। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। इसके बाद देखिये नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला सिंबल, तो इसके आगे क्या था अल्फाबेट था और पीछे नंबर था, तो इसका मतलब ये सीरीज रॉन्ग हो गई। इसके बाद देखिए आगे आता है हमारे पास ये वाला सिंबल यहाँ पे, तो इसके आगे क्या था नंबर था और पीछे क्या था अल्फाबेट था, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास है क्या बन गया सिंबल राइट बन गया। इसके आगे क्या था, आगे इसके क्या था नंबर था यहाँ पे और पीछे इसके अल्फाबेट था, राइट। तो हमारे पास जो लास्ट सिंबल बच जाता है वो है ये, तो इसमें देखिए आगे भी इसके अल्फाबेट था और पीछे भी अल्फाबेट था, तो इसका मतलब ये सिंबल भी क्या हो गया गलत हो गया। तो हमें पूरी जो सीरीज है इसको चेक करने के बाद हमें पता लगा कि हमारे पास 3 ही ऐसे क्या निकले सिंबल निकले जिनके आगे क्या आ रहा था नंबर आ रहा था और पीछे क्या आ रहा था अल्फाबेट आ रहा था, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास 3 ऐसे नंबर निकले, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, राइट, जो कि ऑप्शन नंबर 4th हमारा राइट आंसर है। ये सेकेंड नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। इस वाले सवाल में बोला गया था कि हमें बताइए को जो कि हमारे पास 18th लेटर है लेफ्ट हैंड से, उसके 7th लेटर कौन होगा जो कि लेफ्ट हैंड में होगा, ये हमारे से सवाल पूछा था। तो देखिए यहाँ पे हमें जब भी बात की जा रही हो लेफ्ट हैंड की, यहाँ पे बात हो रही थी लेफ्ट और सेकंड भी बात हो रही थी लेफ्ट हैंड की, तो जब भी हमारे पास सेम जो है डायरेक्शन में बात होगी, यहाँ पे लेफ्ट की बात हो रही थी यहाँ पे भी लेफ्ट डायरेक्शन की बात हो रही थी, तो सेम डायरेक्शन में जब हमारे पास बात होगी तो हम क्या करेंगे लेफ्ट माइनस लेफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 18th पूछ रहे थे कि 18th एलिमेंट के हमारे पास 7th लेफ्ट पे कौन आएगा, ये हमारे से सवाल पूछा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 18th माइनस 7 कर देंगे, लेफ्ट माइनस लेफ्ट लगाया हमने, उसके बाद हमें क्या पता लग जाएगा इसका पोजीशन, तो 18th में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 11 आएगा, तो हमें पता लगा 11 इसकी क्या आगे पोजीशन आई, पर किस एंड से आई वो हम चेक करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा होगा, यहाँ पे जिस भी एंड से लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा था लेफ्ट एंड लिखा था, तो उसी एंड से हम चेक करेंगे। तो आप भी जो कंडीशन दी होगी उसकी लास्ट स्टेटमेंट में देखिए कि किस एंड से पूछा था, तो यहाँ से पूछा था हमारे पास लेफ्ट एंड से, राइट,
ये आपको पता लग गया लेफ्ट हैंड से पूछा था। तो अब हम देखेंगे जो लेफ्ट हैंड है उससे हमारे पास 11th एलिमेंट कौन आ रहा था। तो देखिए हमारे पास सीरीज कौन थी, ये थे हमारे पास यहाँ पे सीरीज ऊपर ये। तो अब हमने देखना है कौन सा, ये हमारे पास यहाँ पे सीरीज का लेफ्ट हैंड, ये हमारे पास राइट हैंड, राइट। अब हम इनसे चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट, 11th एलिमेंट देखेंगे कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवंथ। तो हमारे पास 11th एलिमेंट कौन आया, ये आया। 11th एलिमेंट कौन आया, ये वाला आ गया। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो मुझे इसको एग्जैक्ट पता नहीं है इसको बोलते क्या है, पर हमारे पास देखिए ऑप्शन में ये वाला जो एलिमेंट है ये दिया होगा। तो देखिए हमारे पास ये वाला एलिमेंट यहाँ पे दिया था, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपको पता हो कि इस सिंबल को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं है पता कि इस सिंबल को क्या बोला जाता है। तो आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट। पर ये जो सिंबल है ये हमारा राइट आंसर हो गया। बाद जो नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ द विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट, ये हमारे से सवाल पूछा है। तो देखिए इस वाले सवाल में क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि बताइए ऐसे कितने नंबर हैं जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय क्या है, कंसोनेंट है, बट उसके पहले क्या नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, नंबर आ सकता है। तो हमने चेक करना सीरीज में कि हमारे पास नंबर के बाद क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, और उसके बाद कोई भी हमारे पास कंसोनेंट आ सकता है, राइट। तो ये अब हम चेक करेंगे सीरीज में, सीरीज थी हमारे पास ये, अब इसमें हम चेक करेंगे। तो देखिए हमारे पास सीरीज में सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, यहाँ पे नंबर के बाद क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे कंसोनेंट आना चाहिए, राइट। तो ये बी मैंने ऐसे लिखा, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा कि ऐसा पैटर्न हमने चेक करना है। तो देखिये हमारे पास चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर कहाँ पे आता है, ये हमारे पास नंबर है। तो नंबर के बाद यहाँ नंबर आ रहा था, पर उसके बाद फिर से क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था। फिर अब हम देखें दोबारा हमारे पास छह के बाद सात आ रहा था, पर यहाँ पे क्या आ रहा था, सिंपल आ रहा था। तो इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या था, फाइव के बाद फाइव आ रहा था, फिर अगेन हमारे पास फोर आ रहा था, राइट। तो ये भी सीरीज फॉलो नहीं हुई। इसके बाद देखिए फोर के बाद फोर आ रहा था, फिर उसके बाद क्या आ रहा था, एम आ रहा था। तो हमें क्या पता लगा यहाँ से कि हमारे पास एक जो है यहाँ पे क्या बन गया, ये एक जो हमारे पास सीरीज यहाँ पे बन गई, राइट। तो एक हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर के बाद क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था, और उसके बाद क्या आ रहा था, यहाँ पे कंसोनेंट आ रहा था। तो हमारे पास एक जो है पेयर बन गया, राइट। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा था ये, इसमें क्या होना चाहिए था, नंबर के पहले नंबर होना चाहिए था और बाद में हमारे पास कंसोनेंट होना चाहिए था। तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे आता है, ये था नंबर, नंबर के आगे पीछे हमारे पास जो थे अल्फाबेट थे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाला अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला था हमारे पास थ्री, तो थ्री के आगे हमारे पास क्या था, यहाँ पे अल्फाबेट था। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है वो रहा ये, राइट। तो इसके आगे भी देखिए हमारे पास सिंबल था और पीछे भी सिंबल था, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है ये, इसमें क्या है, देखिए हमारे पास ये था टू, टू के बाद क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था, और नंबर के बाद क्या आ रहा था, यहाँ पे कंसोनेंट आ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास सेकेंड पेयर ये बन गया, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सीरीज को, इसके बाद देखिए कोई भी हमारे पास नंबर नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमारे पास कितने पेयर बने, एक और दो, ओनली टू पेयर बने, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस वाले केस में, इस वाले केस में हो जाएगा टू, राइट। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, टू, कि हमारे पास कितने पेयर बने, ऐसे ओनली टू ही पेयर बने। इसमें हमारे पास नंबर के बाद नंबर आ रहा था और उसके बाद क्या आ रहा था, कंसोनेंट आ रहा था, राइट। ये आपको क्लियर होगी बात। तो जो मैंने ये लिखा फोर फोर बी, तो मैं एक एग्जांपल लिखा था आपके लिए कि फोर फोर बी, कि नंबर के बाद नंबर आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर हो चुका है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके मुझे बता देना कि सर हमें ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखिए जो नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजिशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप सो विच इज
वन डेट डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप। सवाल में क्या बोला गया था कि हमारे पास ये ग्रुप दिए हैं, तो इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इस वाले ग्रुप को फॉलो नहीं करता है, राइट। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा हमें सीरीज में चेक करके। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ग्रुप दिया था ये, इसको चेक करेंगे अब हम सीरीज में। तो हमारे पास सीरीज थी ये, यहाँ पे दिया था जेड, उसके पहले दिया था ये सिंबल और दिया था टी। तो देखेंगे ये था हमारे पास जेड, और जेड को एक एलिमेंट छोड़ के आ रहा था टी, और एक एलिमेंट पीछे अटेंड हम उसको छोड़ दें तो हमारे पास आ रहा था ये सिंबल, राइट। तो हमें क्या पता लगा कि जेड के बाद एक नंबर छोड़ के क्या आ रहा था, टी आ रहा था, और जेड के एक नंबर छोड़ के पीछे क्या आ रहा था, यहाँ पे ये सिंबल आ रहा था, राइट। तो हमें पता लगा यहाँ पे एक एक का गैप बीच में था, राइट। इसके बाद चेक करते हैं सेकेंड वाले ग्रुप को, तो ये था हमारे पास W1 और P। तो देखिए W1 और P हमारे पास कहाँ पे आ रहा था, हमारे पास सीरीज में ये W1 और P यहाँ पे आ रहा था। तो ये था हमारे पास W, ये था 1 और ये था P। तो देखिए W के बाद एक नंबर छोड़ के क्या था, 1 आ रहा था, और एक नंबर छोड़ के हमारे पास क्या आ रहा था, P आ रहा था। तो इसका मतलब फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है वो सेम पैटर्न को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अब हम चेक करते हैं थर्ड ग्रुप को, ये हमारे पास स्टार एल और एट द रेट। तो अब हम देखेंगे स्टार एल और एट द रेट, तो ये था हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टार, ये था एल और ये था एट द रेट। तो देखिए स्टार के बाद एक नंबर छोड़ के हमारे पास क्या आ रहा था, एल आ रहा था, और उसके एक नंबर छोड़ के हमारे पास एट द रेट आ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड ग्रुप है वो भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा था जैसे हमारे पास ऊपर के दो ग्रुप कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को, ये लिखा हमारे पास यू और वाई और सेवन। अब हम देखते हैं इसको यहाँ पे ग्रुप में, तो ये था हमारे पास U, ये था Y और ये था इसके साथ 7। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि U के बाद एक नंबर छोड़ के क्या आ रहा था, Y आ रहा था, पर Y के एक भी नंबर, जीरो नंबर छोड़ के हमें 7 देखने को मिला था। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है वो ऊपर वाले ग्रुप के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये इन ग्रुप से क्या था, डिफरेंट था, राइट। तो इस हमारे पास ये ग्रुप क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये तो था हमारे पास सीरीज से सवाल। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड सवाल, वो है हमारे पास डायरेक्शन से सवाल, राइट। तो डायरेक्शन के लिए मुझे कमेंट आए थे कि सर हमें डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन करवाइए जैसा आपने पिछले मॉक टेस्ट में करवाया था, तो इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लिया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एल एंड गोज 5 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट टू रीच पॉइंट एम। तो राइट, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए डायरेक्शन में, ये है हमारे पास डायरेक्शन, तो ये होते हैं हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन, और ये हमारे पास ईस्ट, और ये होते हैं वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है, और इसके बाद हमें 4 डायरेक्शन और मिलती हैं जो कि होती है हमारे पास ये वाली डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो 4 डायरेक्शन आपको जो है क्लियर हो चुकी है, और उसके बाद हमारे पास जो 4 और निकल के आती है वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी कि 4 और डायरेक्शन कौन सी हमारे पास निकल के आती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एल एंड गोज 5 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट टू रीच पॉइंट एम। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास कोई पर्सन है वो एल पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है, और किस डायरेक्शन में चलता है, अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए एल खड़ा है, तो इसका ईस्ट कहाँ पे होगा, ईस्ट डायरेक्शन, अभी हमने देखिए ये होते ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो इसको बोला जाता है ईस्ट डायरेक्शन, तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, चला, कितना चला वो, 5 किलोमीटर चला, और इसके बाद कहाँ पे पहुंच गया वो, उसके बाद पहुंचा एम पॉइंट पे, यहाँ पे क्या लिखा था, एम पॉइंट, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बात। उसके बाद देखिए क्या बोला है, इसके बाद बोला है देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एम। उसके बाद बोला है उन्होंने कि एम पे पहुंचने के बाद वो क्या लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है। तो देखिए जब भी पर्सन ने ईस्ट डायरेक्शन में फेसिंग की होती है तो उस टाइम में उसका लेफ्ट होगा ऊपर और राइट होगा नीचे, राइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में लेफ्ट कहाँ पे आएगा और राइट कहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उसने क्या बोला, एम पे पहुंचा वो, उसके बाद उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, और उसके बाद वो कितना चला यहाँ पे, 2 किलोमीटर वो चला, राइट। और उसके बाद कहाँ पे पहुंचा वो, एन पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच गया, राइट। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होगी, एन पॉइंट तक। इसके बाद क्या बोला उन्होंने, अपॉन रीचिंग पॉइंट
ही टर्न्स राइट एंड गोस 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ओ। उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि हमारे पास एन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया और उसके बाद वो 3 किलोमीटर चला और कहाँ पे पहुंचा, ओ पॉइंट पे पहुंच गया। तो देखिए एन पे पहुंचने के बाद उसकी डायरेक्शन कहाँ थी, नॉर्थ की तरफ थी, तो इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। राइट, अब उसने क्या बोला यहाँ पे, टर्न किया उसने राइट, राइट टर्न किया और कितना ट्रैवल किया वो 3 किलोमीटर ट्रैवल किया और कहाँ पे पहुंचा वो, पहुंचा अब पॉइंट ओ के ऊपर वो पहुंच गया। राइट, तो यहाँ तक भी आपको स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया, स्टेटमेंट में बोला गया एंड देन टर्न राइट अगेन एंड गोज 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट पी। उसके बाद क्या करता है, ओ पे जाता है वो और ओ के बाद वो क्या लेता है, राइट टर्न लेता है और वो चलता है 6 किलोमीटर और पहुंच जाता है कहाँ पे, पी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो देखिए हमारे पास ओ कहाँ था, ये था हमारे पास ओ और वो कहाँ पे फेसिंग कर रहा था, ईस्ट में फेसिंग कर रहा था। तो ओ का लेफ्ट कहाँ पे आएगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। तो उसके बाद बोला क्या था यहाँ पे कि वो क्या टर्न लेता है, अब राइट टर्न लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास ओ से वो राइट टर्न लेता है और उसके बाद वो कितना चलता है यहाँ पे, 6 किलोमीटर चलता है। राइट, ये बात आपको क्लियर होगी। और कहाँ पे पहुंचता है वो, पॉइंट पी पे पहुंच जाता है। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट पी। राइट, तो यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होगी। राइट, बात क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट पी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट क्यू। उसके बाद बोला है पी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो क्या लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद चलता है 3 किलोमीटर और पहुंचता है कहाँ पे, क्यू पे पहुंच जाता है। तो देखिए हमारे पास इस टाइम पी किस डायरेक्शन में फेसिंग कर रहा था, साउथ में। तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। उसके बाद वो कितना चलता है, देखिए यहाँ पे क्या लिया उसने, लेफ्ट टर्न लिया और चला वो कितना, 3 किलोमीटर चला और कहाँ पे पहुंचा, क्यू पॉइंट पे पहुंचा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो कितना चला, 3 किलोमीटर चला और कहाँ पे पहुंचा, अब हमारे पास यहाँ पे पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। राइट, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी और यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो अगर आपको स्टेटमेंट यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, वो क्या है, एंड देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट आर। तो देखिए इस वाले स्टेटमेंट में क्या बोला था, इसमें बोला गया था कि हमारे पास क्यू पे जाने के बाद वो पर्सन लेफ्ट टर्न करता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है और किस पॉइंट पे पहुंचता है, आर पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो देखिए हमारे पास क्यू था ये और क्यू हमारे पास फेसिंग कर रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका लेफ्ट होगा ये और राइट होगा ये। राइट, और उसने क्या बोला था यहाँ पे, क्या टर्न किया था उसने, लेफ्ट टर्न किया था और कितना चला था, 4 किलोमीटर, कहाँ पे पहुंचा था, आर पॉइंट पे। तो क्यू के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला वो, 4 किलोमीटर चला और उसके बाद कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे आर पॉइंट पे पहुंच गया। राइट, तो यहाँ तक आपको स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, आफ्टर रीचिंग पॉइंट आर, जब वो आर के ऊपर पहुंच जाता है, ही फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एस। जब हमारे पास वो आर पे पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या करता है, वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और किस पॉइंट पे पहुंच जाता है, हमारे पास एस पॉइंट पे पहुंच जाता है, जो कि क्या होता है, उसका डेस्टिनेशन होती है। राइट, तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि हमारे पास आर पे पहुंचने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो आर फेसिंग कर रहा था नॉर्थ की तरफ, तो इसका लेफ्ट होगा ये और इसका राइट होगा ये। तो उसके बाद क्या बोला था, वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारे पास पॉइंट एस पे पहुंच जाता है। तो एस कहाँ पे आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या था, हमारे पास 3 किलोमीटर था, तो इसलिए हमारे पास एस कहाँ पे आया, ओ और पी के मिडल में हमारे पास एस आ गया। राइट, तो हमारे पास कहाँ पे पहुंच गया वो, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ थी उसकी, एस पॉइंट उसकी फाइनल डेस्टिनेशन हो गई। तो देखिए पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमारे पास डायग्राम रेडी है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। हमारे से क्या पूछा है, एन की डायरेक्शन पूछी है, किसके विद रिस्पेक्ट में, क्यू के विद रिस्पेक्ट में, कि बताइए हमारे पास एन की क्या डायरेक्शन आएगी क्यू के विद रिस्पेक्ट में। तो ये था हमारे पास एन यहाँ पे और ये था हमारे पास क्यू यहाँ पे। राइट, तो देखिए एन जो है क्यू के किस डायरेक्शन में आ रहा था, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहा था। राइट, देखिए हमारे पास अगर Q खड़ा था यहाँ पे, हम यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है Q की लाइन। अगर Q यहाँ पे खड़ा है तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी Q की, तो ये आएगी हमारे पास Q की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकेंड, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कि N जो है Q के विद रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। राइट,
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। हमारे से क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का पूछा है। तो देखिए उसने स्टार्ट कहाँ से किया, हमारे पास स्टार्ट किया था उसने एल पॉइंट से, राइट। तो यहाँ से क्या लिखा था, एल लिखा था स्टार्टिंग में, और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, एस के ऊपर थी। तो एस कहाँ पे है हमारे पास, एस आया था ये, राइट। तो देखिए मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये था हमारे पास एस यहाँ पे और ये था हमारे पास एल यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो देखिए एल और आर के बीच में था 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, राइट, प्लस और हमारे पास एन और ओ के बीच में डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, राइट। तो हमारे पास एम और एस के बीच में भी क्या होगा, 3 किलोमीटर होगा। तो हमें क्या पता लगे, यहाँ पे L थी स्टार्टिंग पोजीशन और S थी हमारे पास फाइनल पोजीशन। अगर इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए तो वो कितना निकल के आया, 8 किलोमीटर निकल के आया, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास 5th थी, 8 किलोमीटर। तो हमें पता लगा हमारे पास स्टार्टिंग और जो फिनिशिंग पॉइंट था इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था हमारे पास 8 किलोमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखिए जो नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पॉइंट ओ। हमने क्या बताना है, जो हमारे पास पॉइंट एस है उसकी क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो बस ये था पॉइंट ओ यहाँ पे और ये था पॉइंट एस, राइट। तो ओ के विद रिस्पेक्ट में एस कहाँ पे आ रहा था, वो आ रहा था जी साउथ डायरेक्शन में, राइट। हमें यहाँ से पता लग गया डायरेक्शन, पर हमें अभी क्या बताने लगा, यहाँ से डिस्टेंस का पता नहीं लगा, राइट। तो देखिए हमारे पास जो ओ और पी के बीच का डिस्टेंस था वो था हमारे पास दिया हुआ 6 किलोमीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एस और पी के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमारे पास यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें आर और क्यू के बीच में हमारे पास क्या डिस्टेंस था, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था, राइट। तो आर जो क्यू है वो किसके पैरेलल थे, एस और पी के पैरेलल थे। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो ये कितना था, 4 किलोमीटर हमारे पास आर और क्यू के बीच में था। तो एस और पी के बीच में भी क्या डिस्टेंस होगा, 4 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से अगर हमने निकालना हो, ओ एस निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे हम, ओ पी माइनस एस पी, राइट। तो ओ पी कितना था, 6 था और एस और पी के बीच डिस्टेंस था हमारे पास 4 किलोमीटर। तो हमारे पास ओ और एस के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमें पता लग गया डिस्टेंस क्या था, 2 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी निकली, साउथ डायरेक्शन निकली। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एस है वो ओ के विद रिस्पेक्ट में कहाँ पे बैठा है, 2 किलोमीटर साउथ पे बैठा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, 2 किलोमीटर साउथ, राइट। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो लास्ट जो सवाल है हमारे पास वो रहा ये, इनइक्वालिटी से सवाल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका आंसर क्या रहेगा, राइट। तो ये थे आज के लिए हमारे पास रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और कैसे हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।